इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, और आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी देना चाहता हूं, क्योंकि आज शाम को जे पॉवेल की स्पीच है, फेड के जो चेयरपर्सन है उनकी स्पीच है, और उसकी वजह से मंडे को बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगर बाजार में बड़ा गैप अप होता है तो किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर गैप डाउन होता भी है तो फिर उस गैप डाउन को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, से लेकर आखिर तक जोर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी का जो प्राइस है वो 24,820 के आसपास है, बैंक निफ्टी 50,930 के आसपास है। तो भाई आज का दिन जो था वो बोरिंग था, जैसे कल का दिन इतना बोरिंग था, आज का दिन भी बोरिंग था। आज एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ मूवमेंट होगी, बट दोस्तों ऐसे मूवमेंट हमें कुछ देखने को नहीं मिली। आज भी हमने कुछ बैंक निफ्टी की कॉल सजेस्ट करी थी, और जब प्राइस चल रहा था 51,000 के आसपास, आज बाजार में पूरे दिन बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। ऐसी निफ्टी में देखे तो 30-40 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। इस तरीके से दोस्तों हमने ICICI बैंक की कॉल, इन्फी की कॉल भी हमने बाई कराई थी, बट ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली, तो हमने सारी पोजीशन हमने मंडे के लिए होल्ड कर दी। अब मंडे के लिए क्यों होल्ड करी है उसका रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी से। अब मैं यहाँ पर निफ्टी का जैसे 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, तो मैं 15 मिनट की जगह यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट लेता हूँ, और एक एनालिसिस आपको मैं निफ्टी की करके दिखाता हूँ, क्योंकि एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर आप देखें निफ्टी को, देखें ओवरऑल देखें, तो एक पैटर्न हमें यहाँ पे फॉर्म देखने को मिला है, एक फॉर्म हुआ है पैटर्न, और इस पैटर्न का दोस्तों नाम है फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न दोस्तों बहुत कम आइडेंटिफाई होता है, और जब आइडेंटिफाई होता है तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होता है। हम देखते हैं कि मार्केट में अगर हम देखें तो निफ्टी में लगातार एक तेज़ी देखने को मिली है, और तेजी के बाद बाजार में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बाजार कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हुआ है। इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग बेसिकली पैटर्न होता है कि बाजार में एक तेज़ी आती है, उसके बाद बाजार कंसोलिडेट होता है, और जब इस कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट होती है। हालाँकि आज जो ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया था, बट 24,840 के ऊपर लग रहा था कि बाजार बुलिश है, बट उसके बाद बाजार सस्टेन नहीं हो पाया वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर कल का दिन मतलब मंडे का दिन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हल्का सा गैप अप होता है, बाजार 850 के आसपास चलता है, तो मेरे हिसाब से वो एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर बाजार 850 के ऊपर जाता है, 850 मतलब 20-30 पॉइंट, 40-50 पॉइंट भी गैप अप होता है, तो वहाँ से एक बाय पोजिशन आप निफ्टी में बना सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बनानी है, एक बना सकते हैं। रीज़न उसका क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डेली चार्ट में देखें या फिर अवर्ली चार्ट में देखें, हर जगह ब्रेकआउट हमें निफ्टी की दिखाई दे रहे हैं। ऐसी अगर बैंक निफ्टी को अगर हम 15 मिनट के या 30 मिनट के चार्ट में देखें तो वहां पे भी हमें फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे 24,850 के ऊपर जाता है तो फ्लैग का आपको एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो बाजार में तेजी आएगी वो एक बड़ी तेजी हो सकती है। यानी कि जब भी अगर हम फ्लैग को देखें तो ये बॉटम जो बना है वो 24,100 का है, और टॉप जो बना है वो 24,800 का है, और बोला जाता है कि फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद ये जो पोल है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल का जो डिफरेंस है जो भी हम कहते हैं 700 पॉइंट का, वो आप प्लस कर सकते हैं, यानी कि 24,800 प्लस 700 भी कर देंगे तो टारगेट अगर आप देखेंगे तो खुद ही काउंट आप कर सकते हैं 25,500 के आसपास का, और जो कि हम पहले से कह ही रहे हैं कि बाजार तेज है, 25,400-25,500 के आसपास जा सकता है। तो इसलिए मंडे का दिन जो है बड़ा कहते हैं कि इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए मूवमेंट नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है बड़े इवेंट्स होते हैं तो उससे एक दिन पहले या सेम डे मूवमेंट नहीं होती है। जब भी बाजार में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि जब भी इवेंट वाले डेज होते हैं तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के अलावा अगर मैं निफ्टी के वन अवरली चार्ट पे भी अगर आपको लेके जाऊं तो वहां पे भी हमें कुछ गैप्स दिखाई दे रहे हैं। पहले दोस्तों ये गैप था जो कि यहाँ पे फिल हो गया था, दूसरा गैप हमें यहाँ पे देखने को मिला था जो कि मुझे लग रहा है कि मंडे वाले दिन फिल हो सकता है। इसलिए मुझे मंडे को बाजार जो है वो 25,000 के आसपास लग रहा है कि बाजार जो है मंडे को 25,000 टच कर सकता है। इस वजह से हमारी जो पोजीशंस हैं, जो कॉल की पोजीशन है, वो हमने अभी होल्ड करा रखी हैं। यहाँ पे होगी दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस। अब मैं डायरेक्टली लेके जाऊँगा बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो मेजर चीज़ें जो देखने को मिल रही है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अब वो क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था यहां पे, और इसके बारे में हम काफी टाइम से चर्चा करते जा रहे हैं। 50,750 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, 50,750 का बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। उसका ब्रेकआउट हुआ, बाजार नीचे आया, और सेकंड टाइम पे इसने एक तेजी दिखाई।
आज के दिन देखें तो बाजार कंसोलिडेट हो गया, बट अगर हम देखें तो ये जो लेवल है वो एक बाय अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। अगर आप देखें तो हमारी ऑलरेडी पोजीशन बैंक निफ्टी में बाय की है और हमने उसे होल्ड भी कर रखा है और हमने मंडे को होल्ड कराया है। हालांकि अगर देखें तो जब हमने बाय कॉल दी थी तो 51,000 के आसपास बैंक निफ्टी था, 10 बजे कॉल दी थी और पूरे दिन 40-50 पॉइंट के भीतर ही मतलब अंदर ही बैंक निफ्टी मूव करता रहा, तो 30-40 पॉइंट का हमारा थीटा डिके हो गया। तो हमने कहा छोड़ो थीटा को, हम सीधा क्या करते हैं मंडे के लिए होल्ड करा देते अपनी पोजीशन, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि ऑप्शन बायर क्या है यार, ऑप्शन बायर तो अपने चार्ट के हिसाब से ट्रेड करता है। अगर मूवमेंट नहीं भी होती बाजार में तो ट्रेडर की गलती नहीं है, वो तो भाई आप वो क्या कर रहा है, वो तो भाई कर्म कर रहा है अपना, वो चार्ट देख रहा है, चार्ट के हिसाब से उसको पैटर्न मिल रहा है, पैटर्न के हिसाब से उसने ट्रेड कर दिया। अब बाजार में मूवमेंट नहीं हुई तो भाई उसमें ट्रेडर की गलती नहीं है, तो इस वजह से हमने क्या करा, मंडे की पोजीशन हमने होल्ड करा दी है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी बैंक निफ्टी चल रहा है और जितनी गिरावट आनी थी इसमें आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी तेजी आएगी और आ सकती है, मतलब 51,750 के आसपास लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी जा सकता है। तो अभी जो प्राइस है वो 50,950 का है, यहाँ से 800 पॉइंट की तेजी हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो ब्रेकआउट है वो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हो चुका है। और अगर हम दूसरी जगह पे देखें तो हमें अभी कोई भी डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने अवर्ली चार्ट लिया, बट वहीं पे अगर मैं डेली चार्ट लेता हूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे भी देखें तो यहाँ से बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे भी हमें यहाँ पे अगर एमएससीडी पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया क्रॉसओवर है दोस्तों, जो कि हमें देखने को मिला था यहाँ पे। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा, ये बीरिश कैंडल का जो हाई ब्रेक हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे, ये जो कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था वो था 50,772 पे, 50,772 के ऊपर बैंक निफ्टी में तेजी आ गई थी। तो ये बैंक निफ्टी का क्रूशल स्टॉप लॉस है। अगर आप कहीं भी बैंक निफ्टी बाय करते हैं 50,900 पे करते हैं, 950 पे करते हैं, 51,000 पे करते हैं, तो ये स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो वहां से तेजी आ सकती है और उसके हिसाब से आप 600-700 पॉइंट का जो गेन है वो ले सकते हैं। बट फिर वही बात हो गई भी, अगर आप इंट्राडे के लिए काम करेंगे और 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और बाजार में मूवमेंट नहीं होते तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड हो जाता है। इस वजह से हमने क्या करा था, हमने एक कैश के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस दिया, भाई कैश में ये स्टॉप लॉस बनता है, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप एग्जिट करना, नहीं तो बाय पोजीशन कैरी कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है जो आज जो शाम को जो स्पीच है उसके बाद मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट में भी तेजी आएगी और उसके अकॉर्डिंगली हमारा बाजार जो है मंडे को थोड़ा गैप अप हो सकता है। तो इस वजह से मुझे बैंक निफ्टी लग रहा है कि थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। और दूसरी चीज़ों में देखें तो यहाँ से भी हमें ब्रेकआउट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में लग रहा है। बट हाँ, बैंक निफ्टी अगर 51,000 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है मंडे को तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी एक अच्छी खासी तेजी आएगी और 600-700 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के मैंने आपको बता दिए, इसको थोड़ा सा आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की अपडेशंस जो है वो हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हम डेली लाइव मार्केट में पोस्ट कर देते हैं। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, साथ साथ पिन कमेंट में भी आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारे दिए गए स्टॉक्स हैं या फिर हम कोई भी एनालिसिस करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की तो बात कर ली है, अब एक स्टॉक है जिसके बारे में चर्चा थोड़ा सा करना चाहूँगा और जल्दी जल्दी से स्टॉक लेते हैं, वो है आईसीआईसीआई बैंक। देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक आज बुलिश लग रहा था और आईसीआईसीआई बैंक में भी आज हमने एक कॉल सजेस्ट करी थी बाय की और उसको हमने होल्ड कराया हुआ है। अब आईसीआईसीआई बैंक क्यों हमने होल्ड कराया, रीज़न उसका क्या है, वो जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में भी एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है, बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये बहुत ही क्रूशल रेजिस्टेंस है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का, और आईसीआईसीआई बैंक का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हुआ था 1195 पे, और 1195 पे जो ब्रेक हुआ है मुझे लग रहा है कि बाजार 1220 तक तो जाना चाहिए। तो आज मूवमेंट नहीं आई और मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक भी मंडे को गैप अप हो सकता है, जिसमें हमारा आईसीआईसीआई बैंक की जो हमने कॉल सजेस्ट करी है, जो 1200 की कॉल ली है, उसमें हमारा डाउ टारगेट है वो अचीव हो सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम इसी तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है, सेम उसी तरीके का पैटर्न है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पे एमएससीडी में कहीं पे भी या फिर वॉल्यूम्स अगर आप चेक करते हैं वहां पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्राइस कुछ और कह रहा है और इंडिकेटर कुछ और कह रहा है, यानी कि प्राइस के साथ साथ इंडिकेटर भी रिएक्ट कर रहे हैं। इट मींस कि बाजार में मुझे लग रहा है जो तेजी आई है ये आगे के लिए सस्टेन रह सकती है। ये सारे फैक्टर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं चेक करने होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डेली चार्ट भी देखते हैं तो डेली चार्ट में भी अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो भैया यहां पे हमें रिसेंटली एक क्रॉसओवर देखने को मिला है, और ये क्रॉसओवर जो देखने को मिला है, मैं थोड़ा जूम करूंगा यहां पे, तो ये जो क्रॉसओवर है
ये हमें मिला है दोस्तों 1192 के ऊपर। इस वजह से आज मैंने मॉर्निंग में ही ICICI बैंक की कॉल थी सजेस्ट करी थी, सस्ते रेटों पर सजेस्ट करी थी, आज बढ़ के बंद हुई है, बट फिर भी हमने मंडे के लिए होल्ड कराई है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। दूसरी जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हमें दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि बाजार को हल्का सा भी गैप अप होता है तो वो फिर मंडे को क्या मुझे लग रहा है पूरे वीक के लिए सस्टेन करेगा। इस वजह से ICICI बैंक हमारा एक अच्छा स्टॉक है जिसको हमने अपनी रडार में रखा हुआ है। इसके अलावा भी हमने इन्फोसिस सजेस्ट किया था 15 मिनट के चार्ट पे, वो अभी थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है बट मंडे को लगता है गैप अप हो सकता है। इसके अलावा जो विप्रो है वो भी सजेस्ट किया था 15 मिनट के चार्ट पे क्योंकि उसमें हैमर बना हुआ था, अभी ना एसएल आया ना टारगेट आया तो वो भी हमने मंडे को होल्ड करा रखा है। तो पोजीशंस जो है वो हमने ज़्यादातर मंडे के लिए होल्ड इसलिए कराई है, रीज़न उसका क्या है क्योंकि आज कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा भाई ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो अगर बाजार में मूवमेंट नहीं होती तो इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है, किसी की गलती नहीं है। यहाँ पे कभी कभार हो जाता है। अब देखो अगर आप यार निफ्टी का फ्यूचर लेते हो तो 1.5 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा, वहीं पे हम निफ्टी के ऑप्शंस पे काम करते हो 6-7 हज़ार में, तो फर्क है ना दोनों में। अगर कोई ना कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी तो होंगे, वो भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया ICICI बैंक के बारे में, निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में पूरी एनालिसिस कर दी। साथ साथ अगर आप डायरेक्टली दोस्तों आप हमसे कॉल्स वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बूट कैंप का, वो ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस कमोडिटी और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स मिल जाएंगी। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक नंबर आपको दिख रहा होगा उस पर आप कॉल करिए जहाँ पर आपको टेक्निकल की जो कोर्सेज हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।